स्केल ऑफ प्रोडक्शन टॉपिक था। दो टाइप का प्रोडक्शन होगा, एक लार्ज स्केल होगा, एक होगा स्मॉल स्केल। फिर हमने इसमें क्या डिस्कस किया था कि लार्ज स्केल में फर्म की साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। फर्म क्या हो रही है, एक्सपांड हो रही है, तो उसका प्रोडक्शन भी क्या हो रहा है, एक्सपांड होता है फर्म का। ठीक, तो उसके तीन बेसिक फीचर्स क्या होते हैं ये भी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। थ्री बेसिक फीचर्स क्या थे उसका, लार्ज लेबर फोर्स होता है एक, तो ऑब्वियस है लार्ज स्केल में हो रहा है, फर्म एक्सपांड हो रही है तो लार्ज लेबर फोर्स। देखो लार्ज लेबर फोर्स, नेक्स्ट क्या है उसमें, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। और प्रोडक्शन भी कितना हो रहा है, लार्ज में हो रहा है। तो ये तीन बेसिक फीचर्स होते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन के, जब फर्म या जब फर्म क्या हो रही है, एक्सपांड होगी तो लेबर फोर्स ज्यादा हो जाएगा, कैपिटल भी ज्यादा हो रहा है तो प्रोडक्शन भी ज्यादा हो रहा है, लार्ज स्केल में हो रहा है सब कुछ। ठीक है, तो अब देखो इसमें इंटरनल जो इकोनॉमीज हो रही है उसके रीजन क्या है। इंटरनल इकोनॉमीज मीन्स फर्म तो एक्सपांड कर रही है तो जो कॉस्ट बेनिफिट्स मिल रहे हैं, एडवांटेजेस मिल रहे हैं फर्म को, एडवांटेजेस या जो बेनिफिट्स होते हैं वो ये हो सकते हैं कि कंपनी की जो कॉस्ट है ऑफ प्रोडक्शन वो क्या हो रहेगी, कम हो जाएगी, है ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है तो प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है तो प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो उसके रीज़न क्या क्या है, तो पहला रीज़न है इसका इनडिविजिबिलिटी। ठीक है, अच्छे से समझना, इनडिविजिबिलिटी, इनडिविजिबल, जो जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, ये एक ऐसा फैक्टर है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। इनडिविजिबिलिटी मीन्स यहाँ पे क्या होगा, किसी भी एक फील्ड से रिगार्डिंग होगा, सपोज अगर एक प्लांट है, ठीक, या फिर मशीनरी है, या फिर एक मार्केट है, या फिर एक फाइनेंस है, और एक रिसर्च, ये एरिया है, एक पर्टिकुलर फर्म में इस जगह पे काम होता है। तो सपोज एक मैनेजर है, ठीक, मैनेजर है एक प्लांट का, एक मशीनरी को हैंडल करने का, एक मार्केटिंग का, एक फाइनेंस का मैनेजर है, और एक रिसर्च का। तो आप किसी भी एक चीज को लेकर के चलो, तो सपोज अगर हम मार्केटिंग को लेके चलते हैं तो हम किसको लेके चल रहे हैं यहाँ पे, एक मार्केटिंग के मैनेजर को लेके चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो इस मैनेजर के अंदर कैपेसिटी है ना कि वो 100 लेबर को हैंडल कर सकता है। तो फर्म अगर एक्सपांड हो रही है, सपोज फर्म बढ़ते जा रही है, तो ये क्या कर रहा है, 200 लेबर को भी अटेंड कर सकता है। या अगर इसकी कैपेसिटी सिर्फ 100 की थी सपोज, तो फर्म जब एक्सपांड हो रही थी उसके पहले फर्म कितने लेबर्स को मैनेज कर रहा था, ये 50 लेबर को। फर्म एक्सपांड हुई तो अब ये 100 को मैनेज कर रहा है, तो इट मीन्स पहले ये 50 को कर रहा था, अब ये कितनों को कर रहा है, 100। कॉस्ट उस फर्म को, उस मैनेजर की उतनी ही लग रही है, क्योंकि पहले भी वो 8 घंटे काम करता था, अभी भी वो 8 घंटे ही काम करता है। उसकी सैलरी तब भी 50,000 पर मंथ थी, अब भी 50,000 पर मंथ है, लेकिन लेबर तो बढ़ गए ना, तो फर्म की जो कॉस्ट है उसको बेनिफिट मिला ना, कि 50 लेबर को हैंडल करने की कॉस्ट पहले 50,000 थी, और फर्म अगर अभी 100 लेबर्स एम्प्लॉय कर रही है तो उनको हैंडल करने की कॉस्ट भी कितनी है, 50,000। तो देखो कॉस्ट बेनिफिट हुआ ना फर्म को, आया समझ में इंडिविजिबिलिटी का मींस। ऐसे फैक्टर्स हम जिसको डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे कि एक एग्जांपल था इसमें मैनेजर का। नेक्स्ट है इसमें स्पेशलाइजेशन, नेक्स्ट है इसमें स्पेशलाइजेशन। देखो ये मैं रफ कर रही हूं, स्पेशलाइजेशन क्या होता है, देखो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो, लेबर्स हैं उसमें, है ना, कैपिटल है तो टेक्नोलॉजी है, मतलब समझो, ठीक, प्लस और क्या हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर होता है। तो स्पेशलाइजेशन मींस क्या, जैसे अभी हमने एक मैनेजर का क्या किया था, इंडिविजिबिलिटी में, तो एक मैनेजर सपोज MBA किया हुआ है, तो सपोज इसने MBA किया है फाइनेंस में, तो ये इसका स्पेशलाइजेशन है, ठीक। तो हम इसको
उसके पर्टिकुलर फील्ड में ही काम करने के लिए बोलेंगे। सपोज यहाँ पे लेबर है तो लेबर के अलग अलग स्किल्स होते हैं। लेबर मीन्स ऐसा तो नहीं कि एक तरीके का लेबर, हर लेबर की अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। सपोज इसके पास ए क्वालिटी है, इसके पास बी, इसके पास सी, इसके पास डी, तो जिसकी क्वालिटी जैसी उसको उस हिसाब से काम दिया जाएगा, मतलब वर्क, तो उसमें वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा। और उससे क्या होगा, परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, उस फर्म का इंक्रीज होगा। और जैसे ही प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, यानी फर्म का जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है वो भी बढ़ा, मतलब फर्म क्या हो गई, एक्सपांड हो गई, तो जो कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जा रही है, कम, क्योंकि हर कोई अपने स्पेशलाइजेशन और स्किल्स के अकॉर्डिंग उसमें काम कर रहा है, कंट्रीब्यूट करता है उसमें। तो मतलब कौन कौन सी इंटरनल इकोनॉमीज हेल्प कर सकती हैं, टाइप्स ऑफ इंटरनल इकोनॉमीज। एक होती है टेक्निकल, मतलब जो टेक्निकल नॉलेज रखने वाले रहते हैं, तो फर्म को टेक्निकल इकोनॉमीज मिल सकती हैं, ठीक। दूसरा, फर्म को मैनेजेरियल मिल सकता है, मैनेजेरियल बेनिफिट्स से, ये मैंने अभी डिस्कस किया आप लोगों के साथ। मार्केटिंग वाला भी मैंने जस्ट डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। फिनेंशियल रहता है, देखो ये स्पेशलाइजेशन होता है, ये सारे के सारे एक डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उसके बेनिफिट्स की बात हो रही है। फिफ्थ, इसमें हम बोल सकते हैं रिस्क बियरिंग इकोनॉमीज होती हैं। इसमें नेक्स्ट हो सकती है इकोनॉमीज ऑफ वेलफेयर। वेलफेयर क्या होता है, वेलफेयर की मीनिंग क्या होती है, बस ये बताओ मेरे को, वेलफेयर। नेक्स्ट है सोशल इकोनॉमिक, वर्क में आए। हाँ, सोशल वर्क में रहेगा, ठीक है। इसमें देखो, अब नेक्स्ट इसमें समझो इसको ज्यादा, देखो टेक्निकल में क्या होता है, फर्म अगर अच्छा खासा कैपिटल इन्वेस्ट कर रही है, अच्छी खासी मशीनरी लेके आ रही है, तो उससे क्या हो सकता है, जो फैक्टर्स हैं, लेबर्स अच्छे से काम कर पाएंगे और प्रोडक्शन जल्दी होगा, ठीक है। जो चीज पहले 10 दिन में बनती होगी वो क्या पता आप 3 दिन में बन जाए, तो प्रोडक्शन जल्दी होगा तो प्रोडक्शन और ज्यादा होगा। मैनेजरियल्स मतलब जो स्पेशलाइजेशन मैनेजर्स रहेंगे वो अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे। मार्केटिंग अपने अकॉर्डिंग काम करता है, मार्केटिंग की अगर इकोनॉमीज पता है कि मार्केट में कैसा प्रोडक्ट चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट होती है। फिनेंशियल यानी मनी लेके आना फर्म में। रिस्क बियरिंग इकोनॉमीज क्या होती है, फर्म की फिनेंशियल रिसोर्सेस तो बहुत सारे होते हैं, तो फर्म क्या कर सकती है, बहुत सारे प्रोडक्ट सोल करती है, ठीक है, वाइडर एरिया में, बहुत सारे उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, तो वही रिस्क बियरर होते हैं। इकोनॉमीज ऑफ वेलफेयर मीन्स फॉर द सोसाइटी, चीप हाउसेस मिलते हैं अगर ज्यादा कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो आजकल आए दिन न्यूज़पेपर में ऐड आती है ना, होम लोन इजिली अवेलेबल है क्योंकि मार्केट में बिल्डर्स ने इतने सारे फ्लैट्स बना दिए हैं, कम रेट्स में मिल रहे हैं, जीएसटी फ्री कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन फ्री कर देते हैं, सब कुछ। इकोनॉमीज ऑफ रिसर्च क्या होता है, रिसर्च का भी बहुत फायदा मिलता है। सपोज पहले कोई एक प्रोडक्ट चले आ रहा है लेकिन कंपनी ने R&D में इन्वेस्ट किया, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, अब बहुत सारी वेराइटीज हैं उस प्रोडक्ट की सबके लिए, तो उससे क्या होता है, इकोनॉमीज मिलती हैं, प्रॉफिट मिलता है फर्म को। तो ये थी टाइप्स ऑफ इंटरनल इकोनॉमीज, तो ऑल फर्म्स, ठीक है, मतलब जितना भी बेनिफिट्स होता है सारी फर्म का, वो मिलके बेनिफिट्स ऑफ ऑल फर्म्स, वो क्या बन जाता है, एक इंडस्ट्री बन जाती है, और फिर वो इंडस्ट्री क्या करने लग जाती है, ग्रोथ करने लग जाती है। इसका एक एग्जाम्पल देखो, पहले जियो था, जियो ने डेटा देना शुरू किया, उसके देख देख के चक्कर में सेम एयरटेल ने स्टार्ट किया, अब वोडाफोन और आइडिया, अब सब आ रहे हैं। अब देखो जियो थोड़ा सा कॉस्टली लगता है लोगों को और एयरटेल और आइडिया के जो मंथली पैक्स हैं वो कम लगते हैं, तो देखो सब इंडस्ट्री ग्रो कर रही है ये, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज, जिसमें एक फर्म तो ग्रो करती है लेकिन उसके साथ सारे सारे मार्केट प्लेयर्स भी ग्रो करते हैं। तो ये हो गई एक्सटर्नल इकोनॉमीज हो गई। तो इसमें टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज के, देखो टाइप्स पढ़ेंगे इसमें डायरेक्ट, पहला क्या लिखा है देखो, बेनिफिट ऑफ मिलता है इसमें
एग्लोमरेशन, एग्लोमरेशन वर्ड सुना है कभी आप लोगों ने? देखो एग्लोमरेशन का बेनिफिट्स मींस क्या, फिर से बोल रही हूँ, देखो ये एक एग्जांपल दिया मैंने एजुकेशन हब का, जिसमें कोचिंग सेंटर्स हैं बहुत सारी वैरायटीज की ना, कोई ट्रिपल आईटी की करवा रहा है, कोई सीए की, कोई सीएस की, तो वहीं पे ना आप स्टूडेंट्स आके रहने लग जाएंगे, तो वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज भी, फिर उनको रेंट पे रूम्स मिलने लग जाएंगे, पीजी फैसिलिटीज मिलेगी, फूड फैसिलिटीज मिलेगी, तो ऐसी जगह में ऑटोमेटिक क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन फैसिलिटीज आ जाती हैं, फिर वहाँ पे ऑटोमेटिक बैंकिंग फैसिलिटीज भी स्टार्ट हो जाती हैं, फिर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी ओपन हो जाते हैं, तो ऐसे क्या होता है, ये इसको बोलते हैं बेनिफिट ऑफ एग्लोमरेशन, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली दूसरी चीज़ें भी डेवलप करने लग जाती हैं, तो जैसे ही वो एक फर्म इंडस्ट्री में ग्रो करने लग जाएगी, है ना, तो देखो जैसे कोचिंग एक फर्म थी किस चीज़ की, ट्रिपल आई टी की, लेकिन अब वो एक इंडस्ट्री बन गई है वहाँ के एरिया में, वहाँ पे अब हर चीज़ की कोचिंग्स अवेलेबल्स हैं, तो देखो ये सब चीजें तो अवेलेबल, अब साथ में वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी बन गई और बैंकिंग फैसिलिटीज भी हो गई, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज में बेनिफिट ऑफ एग्लोमरेशन। कोई डाउट है? बताओ कोई डाउट है किसी को? नो मैम। अब देखो वहां पे ऑटोमेटिकली पब्लिसिटी बेनिफिट, कौन था कुछ बोल रहा था, कोई एक बार करके क्या बोला, वह वॉइस क्लियर नहीं है मेरे को उसकी, फिर से एक्सप्लेन करने बोल रहा था क्या कोई? यस मैम। हाँ इसका कोई और एग्जांपल, इसका कोई और एग्जांपल, बेटा आप कहाँ रहते हो मेरे को बस एक बताओ, आप कहाँ रहते हो मेरे को एरिया बताओ। अरे बोलो, उसमें डरने की क्या होता है, मतलब दुर्ग में रहते हो, भिलाई में रहते हो, रायपुर में रहते हो, भोपाल में रहते हो, कहाँ रहते हो, ये पूछ रही हूँ। नेक्स्ट है इसमें इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी बेनिफिट्स। ऑब्वियस है इंडस्ट्री सेंटर्स बनते हैं तो वहां पे ना अब डेली न्यूज़पेपर्स में उसके बारे में छपना शुरू हो जाता है, अब कंपनी के खुद के जर्नल्स छपते हैं, पीरियोडिकल्स छपते हैं, मैगजीन्स छपती हैं, तो मार्केट की कंडीशंस क्या है, उनके रॉ मटेरियल्स क्या है, तो ये सब बेनिफिट्स भी मिलते हैं उनको। नेक्स्ट उनको बेनिफिट्स ऑफ रॉ मटेरियल मिलते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया में आप लोग जाएंगे ना तो वहाँ पे उस चीज़ के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। सपोज़ अगर आप लोग कहीं कॉलेज वगैरह में जा रहे हैं, ठीक है, बड़ी सिटीज़ में ऐसा होता है, अगर आप लोग किसी कोचिंग सेंटर के बाहर जा रहे हैं, सपोज़ दिल्ली या मुंबई का, तो उसके बाहर ना फोटोकॉपीज की शॉप बहुत रहती है, फोटो स्टिक्स, ठीक है, प्लस वहाँ पे क्या होता है, अगर आपको बुक डिपोट्स बहुत सारे होते हैं तो आपको ऑलरेडी जो उसके रॉ मटेरियल्स हैं तो उसके शॉप्स ऑटोमेटिक वहाँ ओपन हो जाते हैं, क्योंकि देखो जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, नोट्स अपने वो जेरोक्स और उसमें देते हैं या पीडीएफ वगैरह में देते हैं, ठीक है, तो वो जेरोक्स कॉपीज और पीडीएफ उनको क्या चाहिए, एक प्रिंटिंग प्रेस चाहिए, ठीक है, जो उनको हेल्प करके दे, या नोट फोटोज फोटोकॉपीज बनवा के दे उनको नोट्स की, जो स्टूडेंट्स को वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करें, तो उसकी शॉप ओपन हो जाती है, तो ये इनका बिजनेस चलने लग जाता है, और ये जो कोचिंग सेंटर्स का जो एग्जाम्पल दी थी उनके लिए ये सब क्या हो जाता है, रॉ मटेरियल हो जाता है उनके स्टूडेंट्स के लिए नोट्स वगैरह, तो बेनिफिट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स हो जाता है, प्लस ऐसी जगह में सर्विस ऑफ स्पेशलिस्ट मिलती हैं, स्पेशलिस्ट्स की सर्विसेज बहुत अच्छे से मिलती हैं, ठीक है, जब फर्म एक साथ हो जाती हैं, टुगेदर हो जाती हैं, तो स्पेशलिस्ट मिल ऑटोमेटिकली ना लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं वहाँ पे काम करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली जब लोग वहाँ पे अट्रैक्ट, सपोज जूट इंडस्ट्री है तो उस एरिया में ना बहुत सारे लाइन्स हैं, जूट जूट की शॉप्स हैं, तो ऑटोमेटिकली इतने स्पेशलिस्ट मिल जाएंगे वहाँ पे जूट के, तो वहां पे वैरायटी मिलना शुरू हो जाती है, तो ये हो जाता है टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमीज। अब देखो एडवांटेजेस क्या होंगे लार्ज स्केल प्रोडक्शन के, अब देखो ये इकोनॉमीज से हट रहे हैं अब अपन लार्ज स्केल प्रोडक्शन में आ रहे हैं, कि एक वो तो इकोनॉमीज एक्सटर्नल थी इंटरनल थी, लेकिन अगर फर्म लार्ज स्केल में किसी चीज का प्रोडक्शन करती है तो उसको उसके क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, तो बेनिफिट्स टू अगर हम प्रोड्यूसर्स देखें, प्रोड्यूसर कौन होते हैं, उत्पादक, है ना, जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है मेन, तो उसको क्या मिलेगा बेनिफिट्स मिलेगा, वो बल्क परचेज करेगा रॉ मटेरियल का, ठीक है,
और दूसरी कमोडिटीज का, एआरएम मतलब रॉ मटेरियल से है ना यहाँ पे, अदर कमोडिटीज का। दूसरा मशीन्स और टूल्स का अच्छे से अच्छा यूज होगा क्योंकि बल्क में हो रहा है सब कुछ, तो उनका बेटर यूज होगा। वैसे क्या होता है कोई कोई टूल्स ना या औजार एक आध हफ्ते में दो बार ही यूज होते हैं, अब ऐसा क्या है उसका अच्छे से यूज होगा। बेटर डिविजन ऑफ लेबर होगा मतलब हर कोई अपनी काबिलियत के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, बेटर डिविजन ऑफ लेबर होगा और स्पेशलाइजेशन होगा। फिर क्या होगा, बेनिफिट्स मिलेंगे किससे, रिसर्च से। फिर क्या हो सकता है इसमें, फैसिलिटीज वहां पे बहुत अच्छी डेवलप हो जाती हैं फॉर द रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। फिर वेस्ट प्रोडक्ट का अच्छा यूज हो जाता है, मतलब यूज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, फर्म उससे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होता है किसी के लिए लेकिन वो दूसरी इंडस्ट्री के लिए ना वो बाय प्रोडक्ट हो जाते हैं। सपोज अगर कोई एक ऐसी इंडस्ट्री बताओ जिसके वेस्ट से दूसरी इंडस्ट्री चलती हो, बताओ। सोयाबीन वगैरह का होता है ना प्रोडक्शन, ठीक है, उससे क्या बनता है, ऑयल। लेकिन हम सोयाबीन एज अ खाते भी तो है उसको, करते हैं कि नहीं, ऑयल के अलावा जो बच जाता है वो वेस्ट हो जाता है ऑयल फैक्ट्री वालों के लिए, लेकिन फिर वो दूसरी उसके लिए क्या बन जाता है, वो सोयाबीन रॉ मटेरियल बनता है कि नहीं बनता है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो वो यूज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है, तो एक के लिए वेस्ट हो गए तो दूसरे के लिए उस वो क्या हो जाता है, रॉ मटेरियल बन जाता है। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन में ये बेनिफिट्स थे प्रोड्यूसर के। अब कुछ बेनिफिट्स होंगे जो कि किसको मिलेंगे, मैनेजेरियल को, ठीक है। मैनेजेरियल बेनिफिट्स क्या मिलते हैं एक फर्म को, मैनेजेरियल बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, अच्छी सर्विस मिलेगी ना, सर्विस ऑफ एफिशिएंट एंड एक्सपीरियंस्ड मैनेजर्स, सर्विस अच्छी मिलेगी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जो एक्सपेंसेस में क्या हो जाएगा, रिडक्शन मिल जाएगा। बुक में ना कहीं कहीं पे आपका एक वर्ड यूज होगा ओवरहेड, तो ओवरहेड का मतलब होता है एक्सपेंस, इनडायरेक्ट ऐसे एक्सपेंस हम जो बता नहीं सकते वो किस चीज में। जैसे अगर अपन आप घर में ही देखोगे ना, सपोज एक ऐसे बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं जिसको हम ये नहीं बता सकते वो किस चीज के लिए एक्सपेंस हुआ, तो ऐसे एक्सपेंस बोलते हैं इनडायरेक्ट। तो एक फर्म और एक इंडस्ट्री के इनडायरेक्ट एक्सपेंस बहुत होते हैं। सपोज उसका जो गोडाउन है ना, अब सपोज अमूल की फैक्ट्री है, ठीक है, उसका गोडाउन है, अब वहां पे आइसक्रीम भी बन रहा है, फिर डेयरी प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं, ठीक है, और आजकल तो वो बेकरी प्रोडक्ट्स में भी आ गए हैं अमूल। तो अब उसका गोडाउन है, अब वो गोडाउन आइसक्रीम के लिए भी यूज हो रहा है, डेयरी के लिए भी, बेकरी के लिए भी, तो कौन सी कॉस्ट किसके लिए वो कौन बता सकता है। रेंट तो हम पूरा दे रहे हैं तो हम बोल सकते हैं यार आइसक्रीम वाले के लिए इतना रेंट लगा, नहीं, वो तो पूरे अमूल की फैक्ट्री के लिए रेंट लगा। तो ऐसे खर्चे जो हम नहीं बता सकते वो कौन से पर्टिकुलर चीज के लिए हैं, तो उसको बोलते हैं ओवरहेड्स, याद रखना। बस इसको ज्यादा डीप में मत समझो, ये आपके काम का नहीं है ओवरहेड्स, सिर्फ कहीं पे वर्ड यूज होगा इसलिए मैंने आपको बताया कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ओवरहेड एक्सपेंसेस का नाम दे। नेक्स्ट इसमें देखो मशीन्स का अच्छा यूज होता है मैनेजेरियल्स के ध्यान में रखते हुए। सी देखो यूज ऑफ मशीन, फाइनेंशियल बेनिफिट्स बहुत होते हैं। ये जो मैंने आपको इंटरनल इकोनॉमीज बताई थी ना, टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर्स, मैनेजेरियल, फाइनेंशियल, ये सब वही है। फाइनेंशियल बेनिफिट्स में क्या होता है, कैपिटल अवेलेबल रहता है लो रेट में, ठीक है, कैपिटल अवेलेबिलिटी एट लो रेट्स। फिर क्रेडिट फैसिलिटीज अच्छी मिलती हैं फर्म को। फिर क्या मिलता है, बेनिफिट्स, इंश्योरेंस बेनिफिट्स मिलता है। फिर फर्म कंटिन्यूज टू ऑपरेट, जो लार्ज फर्म होती है ना वो अच्छे से काम करती है ड्यूरिंग डिप्रेशन। डिप्रेशन का टाइम समझते हो आप लोग, जैसे अभी COVID-19 चल रहा था तो सबके बिजनेस बंद हो गए थे, लेकिन जो बड़ी बड़ी फर्म थी ना वो कंटिन्यू कर रही थी, जैसे जियो हो गया, ठीक है, PNG हो गया, हिमालय हो गया, तो जो बड़ी बड़ी फर्म्स थी ना वो डिप्रेशन के टाइम पे भी अच्छा काम कर रही है ना, जैसे टाटा बिरला वगैरह हो गए। तो ये सब था इसमें। मार्केटिंग बेनिफिट्स हो सकते हैं इसमें, बेनिफिट्स टू मार्केटिंग, उसमें क्या हो सकता है, पब्लिसिटी कॉस्ट कम हो जाती है, लो पब्लिसिटी कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी अच्छी हो जाती है। फिर क्या होता है इसमें,
साइंटिफिक मेथड्स यूज होते हैं, मतलब दिमाग लगा के काम करना. इकोनॉमी हो जाती है ट्रांसपोर्ट में सस्ता, इकोनॉमी मींस सस्ता, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाती है, इकोनॉमी इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं. इसमें हम लेबर्स के बेनिफिट्स भी ऐड कर सकते हैं, बेनिफिट्स टू लेबर्स. क्या कर सकते हैं? बेटर वेजेस, ठीक. फिर अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं. जैसे सपोज कोई बीएसपी में काम करता होगा भिलाई स्टील प्लांट में, तो उनको मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी मिलती हैं, जैसे सेक्टर 9 के हॉस्पिटल में. अगर कोई टाटा में काम करता है तो टाटा के हॉस्पिटल्स में. अगर कोई रिलायंस में काम करता है तो उनके रिलायंस वाले हॉस्पिटल्स में. तो मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह ये सब बहुत अच्छी हो जाती हैं, बेटर हो जाती हैं कंपैरेटिवली टू ऐसे लोगों को जिनके पास कोई फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती हैं, ठीक. डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से उनका काम अच्छा हो जाता है, उनको मशीन्स चलाने में हेल्पफुल मिल जाती हैं, सीखते हैं वो यूज ऑफ मशीन्स, वेलफेयर एक्टिविटीज की जाती हैं. तो ये सब लार्ज स्केल प्रोडक्शन के बेनिफिट्स हैं. यहाँ तक कहीं पे डाउट किसी को?